अब जरा पता तो लगाओ कि ये वेपन किस मेटल से बना है। नकाब पोश की सच्चाई तो हमने छुपा ली, लेकिन तिमनासा ने मेरे नहले का जवाब दहले से दिया। यहां तक कि मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने मुझे ही अगवा कर लिया। तुम ही बालवीर हो, तुम ही नकाब पोश हो। इसलिए कह रहा हूं तिमनासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। तिमनासा के भंवर में फंसते हुए मैंने भी दृश्यम का इस्तेमाल कर दिया। अपनी परछाई को तिमनासा के पास भेजकर मैं नकाबपोश बन के विवान की मदद के लिए पहुंच गया। तरफ मुझे तिमनासा की नजरों से बचना था और दूसरी तरफ विवान का शक भी दूर करना था, इसलिए देवू की परछाई को और नकाबपोश को मुझे अंत में एक करना पड़ा। और ऐसा करने के लिए मैंने उसी तरकीब का इस्तेमाल किया जिस तरकीब से कोई जादूगर लोगों को धोखे में डाल देता है। पिछले कुछ दिनों से तुम तलवार की धार पर चल रहे थे बालवीर, लेकिन अब तिमनासा से लेकर विवान तक हर किसी को विश्वास हो चुका है कि देवू और नकाबपोश दो अलग लोग हैं। इस वेपन का मेटल तो सचमुच किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, लेकिन अगर नकाबपोश धरती का रहने वाला है तो उसका यह हथियार किसी दूसरे लोग से कैसे हो सकता है? इतने सारी मेहनत के बाद आज आखिरकार वो दिन आ गया जब सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दिया। कैसा सुराग बालवीर? ये सुराग एक पहेली के रूप में है। वो छुपी शक्ति एक ऐसे जीव में है जो खुद ही अपना पिता है, खुद ही अपनी माता है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, खुद अपना विधाता है। ये तो बहुत ही जटिल पहेली है, इसे सुलझाने में बहुत समय लगेगा बालवीर, और ये तुम्हें खुद ही सुलझानी होगी क्योंकि भाग्य ने यह पहेली तुम्हारे हाथों में सौंपी है। ठीक है शौरी, लेकिन इस पहेली के अलावा भी एक और पहेली है जो मुझे कब से परेशान की जा रही है। कौन सी पहेली? भारत नगर में कोई है जो मुझ पर नजर रखे हुए है, यहां तक कि उसने मेरे कमरे की भी तलाशी ली है। आपको क्या लगता है शौरी, कौन हो सकता है ये जासूस? लेकिन ये विवान के पास कैसे आया? विवान, तू अपनी दीदी से प्यार नहीं करता ना? तू एक नया टॉय लाया और अकेले अकेले खेल रहा है। मेरे को भी दिखा। ये जासूस जो कोई भी है, लेकिन तिमनासा के दृष्टि भ्रम जादू के पीछे छुपा होने के कारण मुझे उसकी पहचान नहीं पता चल पा रही है। क्या हुआ बालवीर? ये तो उस नागिनी का जहर है। हाँ शौरी, जहर धीरे धीरे मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है। मैंने अपने जादू से इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो रहा है। इन दिव्य जीवनी पौधों के पत्ते मसल कर तुम अभी अपने घाव पर लगा बालवीर।
देवी जीवनी के असर से जहर फैलना तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी मेरे हाथ से जहर नहीं उतरा। जहर का तुम्हारे शरीर से पूरी तरह बाहर निकलना आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे इस दवा का प्रभाव खत्म होने लगेगा। तो शौर्य, नागिनी के जहर को पूरी तरह से मेरे शरीर से कैसे निकाला जा सकता है? ये विष नागिनी के सर्प ने तुम्हारे शरीर में डाला है, इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह वो ही निकाल सकती है। लेकिन नागिनी जहर को मेरे शरीर में से खुद क्यों निकालेगी? मुझे विश्वास है तुम कोई ना कोई उपाय निकाल लोगे बालवीर। शौरी, इसका तो मैं हल ढूंढ लूंगा, लेकिन माँ कैसी है? पिछले कुछ दिनों से अपनी पहचान छुपाने में मैं वे लोग नहीं आ पाया, इसलिए कितने दिन हो गए लेकिन माँ से भी नहीं मिल पाया। बाल परी की स्थिति पहले से अच्छी है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में थोड़ा और समय लगेगा बालवीर। ठीक है शौरी, आप माँ का ख्याल रखिएगा। खुश रहो बालवीर। खुश रहो शौरी, जल्दी ही फिर मिलेंगे। अगर इनके जैसी ममता और प्यार से भरी माँ संसार के हर बच्चे को मिल जाए तो इस संसार में तिमना सा जैसी बुराई का कभी जन्म ही नहीं हो पाता। माँ। अरे देवू, तुम आ गए बेटा। दवाई लाए हो? हाँ, उससे फर्क हुआ कुछ? दिखाओ। माँ, डॉक्टर ने दवाई नहीं संजीवनी बूटी दी है। ये देखो, हाथ में घाव तो क्या निशान भी नहीं बचा, एकदम साफ हो गया और दर्द भी नहीं हो रहा है। अब देखो ना, अब स्किन एकदम चमक रही है ना? मम्मी, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाइए ना। हाँ हाँ, ला रही हूँ। कहाँ रह गई मम्मी? क्या हुआ भैया, टेबल पर इतना टेस्टी खाना रखा है और आप इस वेपन को क्यों खोल रहे हो? ये तो नकाबपोश का हथियार है ना? ये तुम्हारे पास कैसे आया? भैया, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस वेपन से मुझे बहुत बड़ा सुराग मिल गया है जिससे मैं नकाबपोश तक पहुंच सकता हूँ। हमें उस नकाबपोश को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। लेकिन क्यों ढूंढना होगा तिमनासा? नागिनी के साथ ने उसे डसी लिया है ना, बहुत जल्द वो अपनी मौत से मिलने ही वाला है। नहीं बेमार, मुझे वो नकाबपोश जिंदा चाहिए क्योंकि मुझे उससे एक सवाल का जवाब चाहिए। कैसा जवाब? इस सवाल का जवाब कि सरकार ने उसे कौन सी पहेली बताई है जिसे सुलझा कर वो छुपी शक्ति तक पहुंच सकता है। चुप क्यों तिमनासा, कौन से सवाल का जवाब चाहिए तुम्हें? जहरीले पेड़ को अगर काट भी दिया जाए ना भैमार, तो भी उस पर से नए पत्ते निकलने की संभावना होती है, इसलिए मैं उस नकाबपोश को मारने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। क्या सुराग मिला है तुम्हें? यही कि ये वेपन जिस मेटल से बनता है वो धरती पर मिलता ही नहीं है, तो जरूर एक किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ पता? क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये वेपन किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया है तो हो सकता है कि नकाबपोश भी किसी दूसरे लोक से आया हो। ये तो वील लोक के धातु से बना हथियार है, अगर विवान को पता चल गया तो ये नकाबपोश की सच्चाई तक पहुँचने में देर नहीं करेगा। मैं अभी वीर लोग जाकर परियों से इस मेटल के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तब तक आप ध्यान रखना कि मम्मी मुझे ज्यादा मिस ना करे, ठीक है? मुझे विवान को अभी रोकना पड़ेगा। थम जाए पाओ, रुक जाए जांच, रोक लो करुणा जी इसको आप आज।
आपका खाना देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, तो आज तो मैं एकदम जम के खाऊंगा। तो इसलिए पेट में जगह कर रहा था वार्म अप करके। ए, 1, 2, 4, 5, 6 पेट में जगह करने के चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। चलो आओ बैठो तुम लोग सब। खुशी, बात तो सही है, मटर पनीर का डिश ठंडा होने के बाद सैड सॉन्ग जैसा हो जाएगा। ओके, डिनर करके ही चला जाऊंगा। वीर लोग, इसकी ना बने कोई बात, माँ के पास कटे इसकी पूरी रात। वैसे विवान, मैं ये सोच रही हूँ कि तू और खुशी आज रात को मेरे साथ सोना, ताकि मैं तुम दोनों को लोरी गाकर सुनाऊं। क्यों? क्यों क्या? माँ हूँ तुम्हारी, तुम पर लाड़ नहीं जता सकती क्या? हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी लोरी बहुत पसंद है। मम्मी के दिल में आज ही इतनी ममता बढ़ानी थी, आज तो तू वीरलोक नहीं जा पाएगा विवान। तौबा तौबा, क्या बना रखा है? मौत से बचने के लिए ये सब पहना हुआ है मैंने। पर आपने मुझे इसे जोखिम भरे जगह पे क्यों भेजा? सीधा सीधा बताओ तौबा तौबा, क्या हुआ? वरना बताता हूँ। राजा, दरअसल बात यह है, आजकल धरती लोक पर एक खतरनाक विषाणु फैला हुआ है। इसका नाम है कोबोना विषाणु। धरती वाले उसे कोबोना वायरस बोलते हैं। भैरानी ने मुझे उस जगह भेजा था जहाँ से वो विषाणु और उसका इलाज मिल सके। ये बताओ तौबा तौबा कि तुम्हें उस जगह का पता चला या फिर ऐसे ही मूर्खों की तरह खाली हाथ लौट आए हो? आज जगह का तो पता चल गया भैरानी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ जाना मतलब मौत से खेलना है। जाना तो पड़ेगा तौबा तौबा, क्योंकि विषाणु ही एक ऐसा जाल है जिसमें वो नकाबपोश फंस जाएगा। माफ करना विमान, लेकिन उस छुपी शक्ति के बारे में मुझे अकेले ही पता लगाना पड़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दे दिया है। बस एक बार वो छुपी शक्ति मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगा विमान। आखिर कौन सी हो सकती है वो चीज जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो खुद अपना विधाता है। क्या हो सकता है इस पहेली का जवाब? अरे खुशी, तुम? अरे तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं यहाँ पानी पीने आई थी। लेकिन आप बताओ देबू भैया, आप यहाँ पे लिविंग रूम में इतनी रात को क्या कर रहे हो अकेले? और ये क्या बड़बड़ा रहे थे आप, माता पिता सदियों पुराना? मैं तो बस वो, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने भजन गाना शुरू कर दिया, वो मन को शांति मिलती है ना, इसलिए। आखिर वो अपनी पिस्टल चुराया था और क्यों?
ब्रो, निशाना चूक कैसे गया तुम्हारा? मैं चाहूँ तो निशाना एक उड़ते हुए पंछी पर भी लगा सकता हूँ। वैसे तुम्हारे लिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूँ। उस लेटर में न्यूज न्यूज तो न्यूज चैनल पे आता है ना, लेटर में कब जाने लगा? जब से बालवीर मेरा हथियार अपने घर में छुपा के रखने लगा। नो ब्रो, तुम गलत समझ रहे हो, वो वेपन मैंने चुराया नहीं था, वो तुम चल चल भाई, कहीं इस तूतू मैमे के चक्कर में वो ब्रेकिंग न्यूज कहीं ओल्ड न्यूज ना बन जाए। गुड पॉइंट। नासा कोई बहुत बड़ा गेम शुरू करने वाले हैं। लंबी इनिंग खेलने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। कौन सा गेम? अरे वालो, आधी न्यूज़ देकर कहाँ जा रहे हो? आज तो इसका डगब उतारना ही पड़ेगा। तो मैं आपका नूरानी चेहरा देख कर ही रहूंगा। अगर खुली आंखों से सूरज को देखोगे तो चेहरा जल जाएगा विमान। नहीं जलेगी, आई प्रॉमिस, क्योंकि विमान को सनराइज और सनसेट देखना बहुत पसंद है। मैं सनराइज या सनसेट वाला सन नहीं हूँ, मैं जून की गर्मी वाला सन हूँ। सो बी केयरफुल। केयरफुल रहने को बोल रहे हो और खुद केयरफुल होकर भाग रहे हो? सिंपल सी बात है विवान, सुपर हीरो की आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए। लेकिन दो सुपर हीरोज के बीच में कैसा सीक्रेट? Not cool bro, बांधना है तो भरोसी का रिश्ता बांधो ना मेरे साथ। मुझे पेड़ के साथ क्यों बांध रहे हो? पेड़ हमारे जीवन दाता है, हमारे पिता है, माता है। वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे। थैंक यू विवान। देवा करने का चांस ही नहीं था और फ्री में थैंक यू बोल के निकल गए। अब तो हमने ऐसा कौन सा खेल खेलने वाली है? तमन्नासा, नकाब पोश ने तुम्हारी अगली योजना के बारे में विवान को चेतावनी दे दी है। ठीक है खुशी, मुझे हर पल की जानकारी देती रहो। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो तमन्नासा? बेमार, हम लबरोटी जा रहे हैं। लबरोटी? लब रोटी नहीं, लब रोटी री, यानी प्रयोगशाला। यहाँ पर वैज्ञानिक हर बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। लब रोटी। अच्छा। हाँ।
चले। कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? और ये क्या पहन रखा है आप लोगों ने? किसी नाटक मंडली से आए हो क्या? जाओ बाहर निकलो। हम अंदर कैसे आए इस चीज की चिंता तुम मत करो, बल्कि फिक्र इस चीज की करो कि तुम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाओगे। हमें डिस्टर्ब मत करिए, हम यहाँ एक बहुत खतरनाक वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। अच्छा, उसी की शाबाशी देने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें बहुत खूब। कौन है तुम लोग? सिक्योरिटी सिक्योरिटी बाहर निकालो इनको। अरे इतना नाराज होने वाली बात क्या है, इतना जलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी शाबाशी मिलेगी। सब बेहोशी हो गए ना? अब इस विषाणु के जहर से धरती लोक में मचेगा कहर और मेरी जाल में फंस जाएगा नकाबपोश। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.